कैथवाड़ा की समस्त बिरादरी को, मलकियत को, सवारी को मोक्षम चौधरी की तरफ से सलाम करती हूँ, आपका आभार प्रकट करती हूँ, आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मंच पे आसीन सभी भाजपा के श्रेष्ठ श्रेष्ठ नेतागण, सरपंच साहिबान, आसपास से आए मलकियत मौजूद साथीगण, आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे साथ साथ इस नाचीज बच्ची के साथ साथ चल रहे हैं और मेरा पद बढ़ा रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। कैथवाड़ा से मौजूद मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, उनसे कई गुना ज्यादा मेरी माएं और बहनें, आपका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बाबू जी एक बार ठीक कह रहे थे, ये मेरे मामा नानाओं का गांव है, यहाँ पर मैं प्रत्याशी बन के नहीं आई हूँ, बेटी बन के आई हूँ। ये तो मेरे मामा नानाओं का गांव है, ये तो वोट मांग रहे हैं। हमारे बीच में हमारे हर दिल अजीज कैथवाड़ा से सर हमारे नौमान साहब, उनकी साहिबजादी जो मौजूदा सरपंच है सबीना खान साहब मौजूद हैं। नौमान भाई मेरे ख्याल से एक पाक यात्रा पर गए हैं, मैं उनसे भी मन से गुजारिश करती हूँ, जिस जगह आप दुआ के लिए गए हैं वहां दुआ कोई मूर्ति नहीं है, इस गरीब के लिए भी कोई दुआ कर लेना। मैं यहाँ मन से अब्बा जी अपने मन से ये गुजारिश करती हूँ, आपकी साहिबजादी हमारे साथ हैं, आपने बड़ी दुआओं से नवाजा है हमें, आप ऐसी पाक यात्रा पर हैं जहाँ पे इस गरीब के लिए भी थोड़ी दुआ कर देना। उससे ज्यादा मैं यहाँ मौजूद अपने बड़े भाई, अपने बुजुर्गों से इल्तिजा कर रही हूँ, ये वक्त आ गया है, इस वक्त को संभाल लीजिए, ये जो जालिम वक्त है इसके गुजर जाने का वक्त आ गया है। जब बात होती है जंगल राज की, जब बात होती है तानाशाही की, जब बात होती है मजलूमों को तंग करने की, उसकी एक आवाज उठती है, पर आपके यहाँ की आवाज तो हिंदुस्तान की राजनीति राजधानी दिल्ली में गूंज रही है, इससे ज्यादा झलक और सबूत क्या लेंगे। जो फूलों से अपने स्वागत कराया करते थे उनके दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, इससे ज्यादा आप सबूत क्या लेंगे। चाहे बिजली है, बिजली में कमीशन चलता है, मुझे माफ कीजिएगा सरपंच साहब, आपके घर की बात थी और आपने बड़े खुले तरीके से उसको बेपर्दा किया है, आपको इस मन से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपको जो गद्दार कह रहे हैं उनको सबूत आपने साथ दे दिया, उनकी भी जबान आज बंद हो जाएगी। जहां तक बात है थानों की दलाली की, वो घरों से चलते हैं थाने, और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि हर 10 मिनट पर यहाँ झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज होते हैं। बिजली नहीं आती, बिजली लगाने के लिए चलाने के लिए आपको पैसे का रुझाना देना पड़ता है, राशन का डिपो लेने के लिए, राशन का डिपो चलाने के लिए आपको पैसों से नवाजना पड़ता है। ये कौन सा शासन है जहां तालीम मंत्री, तालीम का सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा मंत्री आपके हलके से है और आपके सारे स्कूल में पढ़ाने वाला कोई टीचर कोई अध्यापक दिखाई नहीं देता, ये कौन से मंत्रालय है, ये कौन से पारिवारिक राजनीतिक कांग्रेस का जो भ्रष्ट शासन है वो ये बता रहा है कि गांव में हम सरपंच ही चलाएंगे, कस्बे से और विधानसभा में हम मंत्रालय चलाएंगे और दो जगह जो बच गई वहां बहन बेटी बैठा देंगे। ये कौन सा तरीका है, ये कौन से शासन के तरीके हैं? अगर आज भी आप जागरूक नहीं हुए इस मंच से, क्योंकि ये मेरे मामा नानाओं का गांव है, मेरा यह हक बनता है और अपना हक की बात करने आई हूं, आपकी सुरक्षा, आपको महफूज रखना आज से मोक्षम चौधरी का काम है, होता नहीं है।
लोग कहते हैं जी आपका एक बयान वायरल हो रहा है, जो मेरे आदमी को परेशान करेगा, तंग करेगा, नाइंसाफी करेगा, उसको जवाब ऐसा ही दूंगी। मैं अपने आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी कौम के साथ, अपनी छत्तीस बिरादरी के साथ बड़ी मजबूती से लड़ रही। जब मैंने पहला इलेक्शन भी लड़ा था तो ऐलान करके लड़ा था, इंशाल्लाह वापस आई हो तो अपनी कौम के लिए वापस आई, तब भी बात चली थी, अरे यू इटली चले जाएगी, अरे यू लंदन पाएगी, अरे यू अमेरिका पाएगी, मेरी नागरिकता हर दूसरे दिन बदल देगी। अब कह रहे हैं जी अब यू दिल्ली पाएगी, अब यू चंडीगढ़ पाएगी। भाई कम से कम तुम यू सोचो, विदेश छोड़ के आई हूं तो मैंने दिल्ली ले और चंडीगढ़ से क्या लेना है। इस मंच से बता रही हूं, एक आदमी मिल जाए, आप सभी की मेवत में रिश्तेदारी है। अगर एक आदमी यूं कह दीजिए मैं लोकसिंह चौधरी को मिलने के लिए 5,000 रुपए तक किराया लेके गया, मैं राजनीति छोड़ दूंगी, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। हमने शीश महल बढ़ाए और छोड़ दिए। आपकी अपनी बेटी आपसे इल्तिजा कर रही हूं, निवेदन कर रही हूं, अपील कर रही हूं, ये आजादी की जंग है। आजादी किससे? तानाशाही से, जंगल राज से, लोगों को डराने से, लोगों को धमकाने से। ये आजादी है, ये इंकलाब की जंग है और आप सभी को साथ देना है। ये अकेली मेरी फतेह नहीं है, ये अकेली पार्टी की फतेह नहीं है, ये आम आवाम जो यहां से विधायक बना के भेजते हैं, सांसद बना के भेजते हैं, कई कई प्रदेशों में आपने कई कई प्रदेशों में एक एक साथी को मंत्री बना दिया। उस जनता से अपील कर रही हूं, उस आवाम से अपील कर रही हूं, ये वक्त आ गया है, इस वक्त को संभाल लीजिए। आपकी अपनी बेटी हूं, जहां आपका पसीना गिरेगा, लोकसभा चौधरी का खून गिरेगा, कि आपने ऐलान करके जा रही हूं। आप सभी के इस मोहब्बत के, आप सभी के इस दुआओं के, इस स्नेह की रोशम चौधरी आबारी है। पिछला वक्त कैसा रहा कैसा नहीं रहा उस पर बहुत हो गया, आने वाला जो भविष्य है आपका मुकम्मल। बाकी ये जो फतेह है ये आपसे लिखी जाएगी, ये जो कस्बा है बड़ा शक्तिशाली कस्बा है, इसकी शक्ति को नजरअंदाज नहीं करना। ये कस्बा बड़ा शक्तिशाली कस्बा है, 36 बिरादरी के मौजूद साथीगण, मौजूद लोग, सभी बिरादरी के प्रमुख साथी यहां बैठे हैं। आप सभी से अपील करती हूं, वैसे तो मेरा हक है यहां, हक के साथ भी, बेटी के नाते भी, एक प्रत्याशी के नाते भी आप सभी से अपील करती हूं, निवेदन करती हूं। अभी पता चला क्योंकि आपकी सड़कें जो हैं संगमरमर की बनी हुई है, संगमरमर की ये जो सड़कें हैं इनको कायम ना रखें, इनमें बदलाव ले आए। जब किसी का इंतकाल होता है, देहांत होता है, आदमी पैदल चलकर